वालेकुम व्लॉगर्स। अभी सीन ये हो रहा है कि आज का तीसरा व्लॉग है मेरा। दूसरे व्लॉग पे बहुत प्यार आया, बहुत मैंने देखा व्यूज़ वगैरह आए, सब्सक्राइब भी हो गए अच्छे खासे, 100+ सब्सक्राइबर हो गए पहले, तो ये गुड न्यूज़ है। नींद से उठा तो मैंने देखा ये, तो बहुत खुश हुआ। इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो अच्छी बात है, अगर नाम है मुझे भी खुशी मिलेगी कॉन्टेंट बना के, क्योंकि एक तरह से डिप्रेशन फील भी आती है ना कि क्या नाम है कि मैच वगैरह हो रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये कि व्यूज़ नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे। अभी जिस तरह का सपोर्ट देखा है माशाल्लाह बहुत अच्छा है, आगे भी जैसे चलता रहे। अभी हम बैठे हैं यहाँ पे अब्दुल्ला के साथ, अब्दुल्ला भाई हमारे मोबाइल पे जामुंडा देख रहे हैं। सलामुअलैकुम। अभी हमारा मूड है नेट्स करने का, सुबह सुबह तकरीबन 10:15 बज रहे हैं, उसका जिम्बाब्वे उसका मैच चल रहा है अभी, अब बांग्लादेश का। आई एम रूटिंग फॉर बांग्लादेश, क्योंकि मैं चाहता हूँ अपने आज एशियन वो पूरी डोमिनेशन। आज बांग्लादेश का मैच है, इंडिया का मैच है और पाकिस्तान का मैच है। मैं चाहता हूँ पूरी तीनों के तीनों एशियन टीम्स जीते। पूरे बताया बाहर की टीम उसको क्या मतलब एशिया का अंदर क्या होता है। बाकी अभी नेट्स पे भी हम लोग क्लिप रोल करते हैं, ठीक है। एक तो खुशखबरी आ गई कि बांग्लादेश जीत चुका है उससे, जिम्बाब्वे से। पहला वन डाउन दिया, टू मोर टू गो नाउ। अभी हम लोग उधर ही आ रहे हैं मैच देखने, शायद पे ही हमारे हैं उनके ऑफिस में, जैसे 5-6 लड़के हम लोग होते हैं वहाँ बैठ के मैच देखते हैं। ये पहले जाके देखें उनसे, अगर ऑफिस खुला हुआ है तो सही पहले अच्छी बात है, नहीं खुला हुआ तो वापस करा के देखेंगे। अब्दुल्ला भाई ने नेट करे, लेकिन ये कि अब्दुल्ला भाई की वीडियो नहीं बनी, मोबाइल बंद हो गया था, अभी पैड उतार रहे खैर नेक्स्ट टाइम बना लेंगे वीडियो, मसला नहीं है, नाराज नहीं होना। मैंने वो सनस्क्रीन वनस्क्रीन लगाई, पूरी सनस्क्रीन लगी हुई है, गर्मी है क्योंकि आज गर्मी बहुत है, धूप लगी हुई है बड़ी बहुत। दौरे पड़ते हैं, कोई मसला नहीं, आम सी बात है, दौरे पड़ते हैं। मैं पागल हूँ ठीक है। अभी ये सामान वामान पैक करें, 12 बजने वाले हैं, मैच शुरू होने वाला है पाकिस्तान का, भागे उधर ऑफिस की तरफ। गर्मी बहुत है भाई, आज सुबह गर्मी हो रही होती है, रात में सर्दी हो रही होती है, बहुत बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। अब्दुल्ला अभी साथ नहीं है, मैं जा रहा हूँ पैदल पैदल ऑफिस, शाहिद भाई के, जुबैर भाई वहीं मिलेंगे। अब्दुल्ला को दरअसल भाई को लेके जाना है काम से, वो हमें बाद में वहीं पे आके ज्वाइन करेगा 15-20 मिनट बाद। टॉस मेरे ख्याल से हो गया, पाकिस्तान की फील्डिंग है पहले, अभी ऑफिस पहुँच के भी बात होती है। भाई ऑफिस में तो आ गए हैं, लेकिन थोड़ा लेट आए क्योंकि ऑफिस बंद था, शायद भाई कहीं गए हुए हैं, अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं। जुबैर भाई हमारे साथ आ गए हैं, तो उन्होंने ऑफिस खोला आके, अभी मैच चल रहा है, तकरीबन मेरे ख्याल से 3 आउट हो गए, रिटायर्ड हर्ट हो गया, बॉल बड़ी गंदी मारी है हारिस रऊफ ने, यहीं करता गुस्से वाला बंदा है भाई बहुत। आगे कंटिन्यू करते हैं मैच, देखते हैं क्या होता है, उम्मीद तो ये पाकिस्तान जीते, वैसे चांसेस यहीं लग रहे हैं, 80-90% चांसेस यहीं के पाकिस्तान जीते। 2 पे 2 खड़का दिए भाई वसीम, 2 पे 2 बॉल हैट्रिक चांस, अभी 3 करे हैं बॉल लिखने से, स्लो कर दी
दो भाग गए भाई और ना हो गया, रन आउट हो गया आराम से। चलो भाई हो गया, अब बताओ क्या बोल रहा था मैं। इधर देखो थ्रो की बात कर रहा हूँ मैं, थ्रो आप कितने टप्पों में आती, 100 मीटर की बाउंड्री है, 15-16 नहीं तो पीछे ही खड़ा हो रहा है ना आप। भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई आपने तुम्हारे साथ ही बिल्कुल खड़ा है स्लिप पे। नहीं बताओ ना सीरियसली सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। कोची में है, डिस्प्रेशन में सर। आइए क्यों नहीं आइए, एक कैच पकड़ा, एक कैच पकड़ा, एक छोड़ा भी है, एक छोड़ा भी है। अच्छा चलो तेरा, चलो किस टप्पों में जुबैर भाई कितने टप्पों में आएगी बाउंड्री से बॉल, ऐसे ग्राउंड में, ऐसे ग्राउंड में एमसीजी में डायरेक्ट बाउंड्री आप हाँ टप्पे गिनती नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा आएगी नहीं, रगड़ती भी आएगी। खुद ही पकड़ पहले मैं सीधी कीपर स्ट्रेट से कीपर में फेंकता। हाँ चलो वो तो मान सकता हूँ मैं। हाँ भाई 20 ओवर हो गए हैं, 91 का टारगेट मिला है पाकिस्तान को। हाँ उल्टी नहीं, वो तो वैसे लास्ट बॉल थी ना, वैसे भी सब डबल फिगर्स में सिर्फ 2 प्लेयर्स आए। चलो भाई शुक्र शुक्र बाबा, कॉन्ग्रेचुलेशन वर्ल्ड कप का पहला मैच जीत गए। घर आ गए, अभी इंडिया और उसका साउथ अफ्रीका का मैच होने वाला है। पहला बांग्लादेश जीत गया, दूसरा पाकिस्तान जीत गया, उम्मीद ये कि इंडिया भी जीत जाए। इंडिया जीतेगी तो हमारा भी पाकिस्तान का थोड़ा चांस बनता है अगर अगला मैच दो मैचेस खेलते हैं। और उसके अलावा देखा जाए तो डोमिनेंस, मैंने शुरू में ही बोला था ब्लॉग शुरू में कि तीनों टीम जीतेंगी तो डोमिनेंस, एशियन डोमिनेंस होगी आज, तो 2 down 1 more to go, देखते हैं।